और भैया क्या मजे। अरे हाय टेडी, व्हाट्स अप। बताओ क्या चल रहा है धूप के मजे ले रहा हूँ। यार, तुमको भी समझ समझ पड़ती है कि नहीं? नया साल आ रहा है, दुनिया बावली होके घूम रही है ना, तू यहाँ बैठ के धूप सेक रहा है। कोई पार्टी वाल्टी करो यार। ब्रो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है न्यू ईयर पार्टी में। क्या चमू आदमी है यार, किसी चीज का इंटरेस्ट नहीं है उसको। अरे पार्टी नहीं करनी तो वीडियो ही बना दे बधाई का। नया साल है, खुशी का मौका है। नया साल है, खुशी का मौका है। आई शुड मेक अ वीडियो। लेट्स मेक अ वीडियो। घंटे का आविष्कार आज से लगभग 4,000 साल पहले हमारे पूर्वजों ने किया था। अपने उन्हीं पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए घंटे के बटन को भक्ति भाव से दबाएं और मेरे वीडियोस की जानकारी मुफ्त में पाएं। Hello humans, what's up? The new year is arriving. Everybody is happy, everyone is excited. People are planning, they are traveling, partying, making resolutions. यही तो खास बात है न्यू ईयर की, सब खुश है। And here I am to ruin it all for you. Listen. There's nothing special in the new year. The new year has zero astronomical significance. तो इतनी मेहनत से समय और पैसा बर्बाद करके अर्थ के रिवोल्यूशन के जिस सो कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट को तुम सेलिब्रेट कर रहे हो, उसका एस्ट्रोनॉमी से घंटा लेना देना नहीं है बाबू। बना दिया तुम्हें। हैप्पी न्यू ईयर। आने वाले साल को सलाम, जाने वाले साल को सलाम। हाँ, ये सच है कि न्यू ईयर के समय अर्थ सन का एक राउंड लगा के वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर आती है, पर जिस पॉइंट पे अर्थ आती है वो कोई स्पेशल पॉइंट नहीं है। इट इज अ कम्प्लीटली रैंडम स्पॉट ऑन द कैलेंडर दैट यू चूज़न टू सेलिब्रेट द न्यू ईयर। अच्छी अंग्रेजी बोलता हूँ यार मैं। मतलब बंदे ने रेस पूरी करके फिनिशिंग लाइन को क्रॉस तो किया है, लेकिन वहां पर एक्चुअल में फिनिशिंग लाइन है ही नहीं। उस लाइन को हम लोगों ने अपने हिसाब से अपने दिमाग में बना रखा है। हमने अपने हिसाब से साल को खत्म करने और नए साल को शुरू करने के लिए एक दिन बना लिया है। That's not worth celebrating. परंतु सवाल ये है कि if not the new year, then what is actually worth celebrating? According to the very famous astrophysicist Mr. Neil deGrasse Tyson, almost every other holiday in the year has some astronomical basis. The Chinese New Year, the Jewish New Year, Ramadan, Easter, Lent, and also the Indian New Year's. How could you forget India, Neil? आपको पता है इंडिया की इंपॉर्टेंस? आपका जो नाम है ना वो हमारे नीलकंठ से निकला है। That's really bad joke, man. Sorry. I love Neil deGrasse Tyson. He's just my crush. इंडिया में लगभग 20 से ज्यादा न्यू ईयर्स मनाए जाते हैं एंड मोस्ट ऑफ देम आर एक्चुअली हैविंग एन एस्ट्रोनॉमिकल सिग्निफिकेंस। इंडिया में कुछ न्यू ईयर्स सोलर कैलेंडर को फॉलो करते हैं जो कि सोलर साइकिल पर बेस्ड होते हैं, व्हाइल अदर्स फॉलो द लूनार कैलेंडर मून साइकिल। इंडियन या चाइनीज जैसे ट्रेडिशनल कैलेंडर का अगर यूज किया जाए तो उसमें डेट्स और डेज का फ्लक्चुएशन होता है, दैट इज कंफ्यूजिंग। इसी तरह की कंफ्यूजन और एरर से बचने के लिए पोप ग्रेगरी ने अपने स्कॉलर्स को ऑर्डर दिया था टू मेक अ मॉडर्न कैलेंडर। इस मॉडर्न कैलेंडर की शुरुआत होती है 1 जनवरी से और इसी कैलेंडर को हम सभी लोग फॉलो करते हैं, दैट इज वाई वी सेलिब्रेट न्यू ईयर ऑन जनवरी 1st। पर दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ कि जिस चीज का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है उस चीज को क्यों सेलिब्रेट करना है? मतलब मेरे से तो नहीं हो पाएगा। और तुम लोग भी जो पार्टी में जा रहे हो ना, क्यों जा रहे हो यार, क्या करोगे वहां जाके? मैं तो कहता हूँ कि घर में रहो, मस्ती से सो। और हेलो। हाँ बेबी, न्यू ईयर पार्टी में ऑफकोर्स आ रहा हूँ, क्यों नहीं आऊंगा बेबी? न्यू ईयर है, खुशी का मौका है। आई विल पिक यू अप। ओके बाय, लव यू। यार बहन चो सारे मिलके हमको पागल बना रहे मादर चोत के बच्चे। और भैया कहाँ जा रहे हो? देखो यार, सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगा तुम लोग आए, वीडियो देखा, बहुत अच्छी बात है। देखो यार, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दो, और नहीं भी आया है तो भी कर दो, अपने बाप का क्या जा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो अगली बार मिलेंगे। ओके बाय।